दिन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। साथियों, आज हम बात करेंगे CRPF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इसमें। वो खुशखबरी क्या है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में पूरी तरह से देने वाले हैं आप सभी को। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले चलिए हम गूगल पर यहाँ पर सर्च करते हैं CRPF की साइट यहाँ पर हमने ओपन कर दी है। और दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो CRPF के जो ये जो नोटिफिकेशन टैब हैं, आप यहाँ पर देखोगे ये रिक्रूटमेंट और ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको सिंपल से करना क्या है कि नोटिफिकेशन का जो टैब है यहाँ पर व्यू ऑल पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया आपने, और जैसे ये इसका PDF जो है वो ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिलेगी आपको जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में पूरी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका वो जितने भी नोटिफिकेशन है व्यू ऑल पे करके ये सारे आ गए नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मेन नोटिफिकेशन है, कौन सा ओपन करना है आपको, आपको ओपन करना है नोटिफिकेशन ये, यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्राफ्ट ऑफ RRS ऑफ कॉन्स्टेबल किचन सर्विसेज ट्रेडमैन कैडर ग्रुप सी, ठीक है। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है कि कितनी वैकेंसीज जो है वो आने वाले टाइम को उनमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, आवेदन उसके लिए आपको आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप इस PDF को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। इस तरह से और भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे ये होगी आपकी कॉन्स्टेबल मल्टीटास्किंग वगैरह, इस सभी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है दोस्तों। तो सिंपल सी है ये, अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। 311 KB की है ये, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। जैसी डाउनलोड होगी तो ये देख सकते हैं आप, ये देख यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन, अभी न्यू दिल्ली डेट इन्होंने अभी नहीं जारी की है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी पब्लिक नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों बाद जो है पब्लिकेशन कर दिया जाएगा इस नोटिस का। और आप यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये इन एक्सरसाइज द पावर कंफर्ड बाय सब सेक्शन ऑफ 18 ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 एंड सप्रेशन ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सी सेंट्रल ड्यूटी टेक ट्रेड्समैन कैडर नॉन गेजेटेड मेल एंड फीमेल रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 इन सो फार एज दे रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ट्रेड्समैन कैडर, ठीक है। कॉन्स्टेबल बुक एंड कॉन्स्टेबल वाटर कर्नर मेल फीमेल एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग डन ओमिट टू बी डन बिफोर सच प्रेसेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फ्लोइंग रूल्स रेगुलेटिंग द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ किचन सर्विसेज ग्रुप सी इन द सेंट्रल। तो ये जो ग्रुप सी की जो पोस्ट है दोस्तों, स्पेशल करके कॉन्स्टेबल कुक और वाटर कैरियर में जो होती है, वाटर कार्नर कहा है इसमें, वाटर कैरियर भी बोलते हैं कई इसमें, जैसे ITBP वैकेंसी होती है, तो ये आने वाली है, ठीक है। सो टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन जो आपकी शेड्यूल टू एनेक्सर जो आपको नीचे बता दी, पे मैट्रिक्स वगैरह सभी को आपको ये बता दिए जाएंगे। और सबसे पहले जो है वो मेन बात आती है दोस्तों, इसमें जो आपका वैकेंसीज है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसीज की जो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले हम क्या देखते हैं, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। तो शेड्यूल ये है आपका कॉन्स्टेबल किचन सर्विसेज और 12,158, 2021 मेल 11,860 और फीमेल 298, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेड अपॉन वर्कलोड। तो दोस्तों ये तभी जो है वो एडवर्टाइजमेंट होगी वैकेंसीज, जब जो CRPF को लगेगा कि हमें और मैन पावर की जो जरूरत है। तो यहाँ पर ये देखते क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, लेवल इन द पे मैट्रिक्स, लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स 21,700 आपकी बेसिक पे होगी, जो बढ़कर आपकी 69,100 तक जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल केबल इसमें। अब नीचे यहाँ पर सब कुछ हम एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखी हुई है 18 से 25 साल तक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी है आपको एक्स सर्विस मैन के, वो आप एलिजिबिलिटी है पर्सन विद द अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज्ड बाय द SSC
इन केस ऑफ अदर रिक्रूटमेंट क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ शिफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट। ठीक है, तो बोला गया हो कि स्टाफ सेक्शन के द्वारा जो वो एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है तो उसी हिसाब से भी इसमें छूट जो है आपको दी जाएगी वो। ठीक है, और नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो वही है मैट्रिकुलेशन और NSQF लेवल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन किचन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NSDC। यहाँ पर जो वो आपके पास जो है वो किचन सर्विस का जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट जो है आपके पास वो होना चाहिए कुकिंग वगैरह में, तो वो जरूर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आपको जो है वो वहाँ पर जब आपका PhD होगा तो उसमें देखा जाता है वो आपके पास है या नहीं है, आपको वहाँ पर वो सबमिट करना पड़ेगा। जब फॉर्म फिल करेंगे तब भी आपको वो किचन सर्विस का आपके पास जैसे कुकिंग का है एक्सपीरियंस आपके पास वो वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, और जो हाइट चेस्ट वगैरह है आपके वो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दो मेंशन बिलो। ठीक है, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और चेस्ट आपकी 70 से 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 हाइट है और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। रिलैक्सेशन है ST SC वालों को, तो इसमें दिया हुआ 160 है ST के लिए हाइट, 75 से 80 जो है वो वही आपका चेस्ट और हाइट 148 है फीमेल के लिए और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नीचे बाकी तो सभी जो ST वगैरह नॉर्थ ईस्टर्न के हैं, 155 हाइट है उनके लिए, मिनिमम हाइट फॉर ऑल फाइलिंग कैटेगरी गढ़वालीज के लिए 162 है, डोगराज मराठा बिलोंग टू दी UT ऑफ असम हिमाचल प्रदेश समेत प्रदेश के जो डोगरा वगैरह उन्हें 162 तक ही ली जाएगी, और जो शेड्यूल ST हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के उनमें और जो है वो कम ली जाएगी, और मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उन्हें 160 ही है। ठीक है, इस तरह से जो है पूरा इन्होंने एक डिटेल्स तैयार कर दी हुई है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह है वो सिंपल सा है वो 6x6 और जो आपकी दूसरी आईस है उसका 6x9, एक आई का 6x6 होता है। सेकेंडरी मस्ट नोट है नोकनी वगैरह जो है आपका सब कुछ स्क्विंट आईज वगैरह नहीं होनी चाहिए, शुड पोज कलर परसेप्शन स्टैंडर्ड CP 3rd, मस्ट बी गुड मेंटल एंड बॉडली हेल्थ। तो मेडिकल जो आपका बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए, जो मस्ट क्वालिफाई द फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट भी होगा दोस्तों। ठीक है, तीन टेस्ट हैं इसमें आपको आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो आपको फाइनल इसमें जॉब मिलेगी दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, 12,158 के समथिंग पोस्ट हैं, आपको चाहिए एक तो तैयारियों में लग जाइए दोस्तों अभी से, और बहुत ही अच्छी पोस्ट आने वाली है ये 12,158 CRPF में। और जो आपकी एक और पोस्ट है ग्रुप सी की वो 987 के समथिंग है। ठीक है, 987 SSC MTS सॉरी CRPF MTS कॉन्स्टेबल। ठीक है, तो उसमें 987 होगी और 13-14 हज़ार के समथिंग जो पोस्टें बैठने वाली इसमें, तो तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।